इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस ने इलाके में एक मकान में रहकर नकली नोट छाप रहे एक संरगना सहित 5 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 4 प्रिंटर और 1.5 लाख के नकली नोट के अलावा करीब 50 लाख रुपए के कागज मिले हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह लाखों रुपए मार्केट में चला चुके हैं। आरोपी ने यूट्यूब के माध्यम से नकली नोट प्रिंट करना सीखे थे। नोट चेक करने वाली मशीन से वह नोट को चेक करके ही मार्केट में चलाते थे। यह भी खुलासा हुआ कि संरगना ने शाहिद कपूर की फिल्म फर्जी देखकर ये काम करना शुरू किया था। एडिशनल DCP अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि सुदामा नगर निवासी गौरव जैन की शिकायत पर पुलिस ने राजेश उर्फ अशोक बारबड़े, गणेश विक्रम, प्रेयस और प्रवीण सह को गिरफ्तार किया है। इस मामले में छठे आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस को आरोपियों के पास से 4 प्रिंटर, नोट चेक करने की मशीन, इंक नोट गिनने की मशीन के साथ करीब 50 लाख रुपए कीमत के कागज मिले हैं। वह नोट छापने के लिए शादी या फंक्शन में इस्तेमाल होने वाले कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में कल दिनांक को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति नकली नोट चला रहे हैं मार्केट में और उनके द्वारा काफ़ी सारे नकली नोट बनाए जा रहे हैं। तो इस सूचना की तस्दीक में अन्नपूर्णा पुलिस को एक टीम गठित करी गई और लगाया गया, जिस पर से एक व्यक्ति के बारे में पता चला। उस व्यक्ति को घेराबंदी करके पकड़ा गया, उससे पूछताछ करी गई। पूछताछ करने पर उसने अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताया, जिनकी मदद से ट्रेस करते करते हम एक फ्लैट पर पहुँचे। उस फ्लैट पर हमने देखा कि लगभग 3 से 4 प्रिंटर, कुछ बड़े और कुछ छोटे, वहाँ पर इंस्टॉल्ड थे और उसमें लगातार जो करेंसी हैं अपनी इंडियन करेंसी, उसके फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट किए जा रहे थे, 500 रुपीज़ के नोट्स। तो उससे पूछने पर कि ये किस प्रकार से कार्रवाई कर रहा है, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स लगभग 1 से 1.5 साल से वो बना रहा है और उसको कई डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से पब्लिक में सप्लाई भी किया है। उसके पास से हमें 4 प्रिंटर्स मिले हैं और नकली नोट्स बनाने के लिए पेपर इस्तेमाल होता है। लगभग 50 लाख रुपए तक के नोट्स बनाने के लिए का पेपर मिला है। लगभग 1,60,000 रुपए के बने हुए नोट्स मिले हैं। जो नोट में थ्रेड लगता है, वो लेटेंट इमेज लगाने के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो यहाँ तक कि नोट को चेक करने के लिए जो मशीन्स होती हैं बैंक्स में, वो वाली मशीन भी उसके पास मिली है, जिसके माध्यम से ये नोट को चेक करता था बनाने के बाद में कि ये पास होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार से उसके पास से सारा सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है और जो लोग इसके नोट्स को इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे कुल मिला के हमने 6 आरोपी चिन्हित किए हैं, जिसमें से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 1 आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी होना शेष है। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग का, ये नोट्स प्रिंटिंग का काम चल रहा था, ये एक मुख्य आरोपी है राजेश बरपेते, जो मुख्यतः बैतूल का निवासी है, ये मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके पास से ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि इसके पास 2 आइडेंटिटीज़ हैं। एक राजेश बरपेते के नाम की आइडेंटिटी है, जो कि भोपाल बैतूल का निवासी है, और दूसरा अशोक चौहान के नाम की आइडेंटिटी है। इसके पास से इसके ही नाम का एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिला है, जिसके ये प्रूव होता है कि इसने 2 आइडेंटिटीज़ के साथ में काम किया है। इससे इसकी भूमिका पूर्णतः संदिग्ध पाई गई है। इसमें और सारे लूज एंड्स हैं, उसको अभी वेरीफाई करने में समय लगेगा और उसमें फॉलोअप करने में समय लगेगा, जिसमें जैसे जैसे जानकारी आती जाएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके द्वारा पूछताछ करने में यही बताया गया है कि क्योंकि इस तरह से ये इलीगल काम कर रहा था, तो पकड़े जाने से बचने के लिए इसने अपनी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करी और उसके माध्यम से उस आइडेंटिटी से ही ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और मल्टीपल बैंक अकाउंट बनाए गए थे और उसी का यूज़ करके ट्रांजेक्शन किया करता था। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये लगभग 1 से 1.5 साल से इस काम में लगा हुआ है। इससे पूछताछ के दौरान ये चीज़ सामने आई है कि इसने YouTube और अन्य सोशल मीडिया वेबसाइट्स के माध्यम से बनाना सीखा है, परंतु और भी कुछ जानकारियाँ हैं जो संदिग्ध हैं, जिसको वेरीफाई करना अभी शेष है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इसने 20 से 30 लाख रुपए के जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स हैं, वो सप्लाई कर चुका है मार्केट में, जिसकी सूचना इसने बताई है। उनको जल्द से जल्द जहाँ जहाँ अवेलेबल है उनसे बरामद किया जाएगा। ये नोट्स को प्रिंट करने के लिए जो पेपर इस्तेमाल किया गया है, वो पेपर जो मार्केट में शादी के कार्ड्स प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या कई अन्य जो हार्ड पेपर्स होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए काम होता है, वो वाले पेपर्स को इस्तेमाल किया गया। इसके बारे में इसमें 5 आरोपी पकड़ाए गए हैं, जिसमें एक जो मुख्य आरोपी है वो BCOM ग्रेजुएट है
और बाकी जो आरोपी हैं कुछ ऑटो चलाते हैं, कुछ मजदूर वर्गीय हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम कर रहे हैं। अभी जांच जारी है, इसमें जांच के बाद में जो भी लिंक्स निकल के आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करी जाएगी। अभी तक की जानकारी अनुसार ये 1:5 के रेशियो में काम कर रहे थे और भी अभी जानकारी आना बाकी है जिसकी पड़ताल की जा रही है। लगातार इसमें जो जानकारी आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। वात्सल्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्टार्टिंग फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी पर्सनलाइज्ड एजुकेशन कमिटमेंट एंश्योर्स दैट ईच स्टूडेंट नेशनली रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम स्कूल हैज लैब्स इंक्लूडिंग फिजिक्स लैब बायोलॉजी लैब केमिस्ट्री लैब कंप्यूटर लैब एंड book library, beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.